Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. तो आज हम करेंगे नो मेकअप लुक, जो कि मैं कभी कभार अपनी वीडियोस में भी करती हूँ और कभी कभार जब बाहर जाती हूँ तभी मैं ये लुक करती हूँ। बहुत सिंपल है लड़कियों, अगर आप लोग करना चाहो तो मस्ट ट्राई करो। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको तीन चीजों की जरूरत है मेनली, उसके बाद अगर आप कुछ और ऐड करना चाहो वो आप लोगों की अपनी मर्जी है। सबसे पहले आप कोई सी भी सनस्क्रीन ले सकते हैं। यहाँ मैं यूज कर रही हूँ ब्लिसफुल की सनस्क्रीन, क्योंकि मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। डेली वेयर में मैं इसको अक्सर यूज करती हूँ, क्योंकि बस यार ये बहुत अच्छी है। जितनी आपको चाहिए आप उतनी सनस्क्रीन ले लें और अपने फेस पर लगा लें। सनस्क्रीन अब हमने लगा ली, अब हम लगाएंगे टिंट। मैं यूज कर रही हूँ अफेद बाय समरा मीर का टिंट, जो कि शेड है पैम्प पिंक कलर में। अब हम करेंगे टिंट को ब्लेंड, पहले हम लिप से कर लेंगे। बहुत ही लाइट सा है ये पिंक कलर, मतलब आपको ऐसे नहीं फील होगा कि भाई आपने कोई बहुत फटा हुआ कलर लगाया हुआ पिंक कलर का, वरना आजकल ब्लश के शेड इसी तरह के आ रहे हैं। टिंट हमने लगा लिया है, अब हम करेंगे पाउडर। अच्छा आप मेरी बात ध्यान से सुने, अब आप लोग कहेंगे कि आपकी स्किन तो ड्राई है तो आप पाउडर क्यों यूज कर रही हैं? मैंने कभी पाउडर छोड़ा ही नहीं। अब हम यूज करेंगे जॉनसन्स का बेबी पाउडर फॉर हमारे, मतलब जो हमारा फेस है वो बिल्कुल आप देख सकते हैं इस वक्त ऐसे फील हो रहा है जैसे बहुत ऑयली है, बहुत ज्यादा ग्लो है माशाल्लाह, लेकिन हमें फिर भी इसको करना है क्योंकि यार गर्मी है, गर्मी में पसीना आपको आना ही है। तो आपको चाहिए कि आपने जो चीज लगाई है उसको आप पहले लॉक करो। अच्छा जी हम अब हो गए हैं रेडी। अब मैंने, आप लोग यही सोच रहे हो कि मैंने टिंट इतना लाइट क्यों लगाया है, गर्मियों में ना सीन ये होता है कि अगर आप टिंट ज्यादा लगाते हो तो थोड़ी देर बाद ही वो बहुत ज्यादा पिगमेंट छोड़ना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए मैंने टिंट बहुत ज्यादा कम लगाया है। अभी देखना आप थोड़ी देर बाद खुद ही मतलब टिंट बैलेंस हो जाएगा। ये थी मेरी नो मेकअप लुक रूटीन, जिसमें मतलब मैं डेली यूज करती हूँ सनस्क्रीन लगानी है, सिंपल टिंट लगाना है और कोई भी आप पाउडर यूज कर लो। अगर आपने फेस पाउडर यूज करना है आप वो कर लो, मैं डेली वेयर में उसको यूज नहीं करती। मुझे जॉनसन बेबी पाउडर ज्यादा अच्छा लगता है, सबसे पहली बात अफोर्डेबल बहुत ज्यादा है और तो और ये जो टिंट है ये भी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। हाँ मैंने आईब्रोज फिल की हुई है, आप लोग वो भी फिल कर सकते हो। ये बिल्कुल देखें फील नहीं हो रहा कि मैंने अपने फेस पे कोई मेकअप किया, वैसे लग रहा है बिल्कुल नेचुरल है। और जाहिर सी बात है वैसे मैंने कोई मेकअप किया भी नहीं हुआ, सिर्फ सनस्क्रीन लगाई है और पाउडर लगाया उसे कवर करने के लिए। तो आप लोग अगर घर में रह के मतलब इस तरह करना चाह रही है तो बहुत सिंपल है, आप लोग लाजमी करें। और जो लड़कियां बाहर जाती हैं, स्कूल गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है या कोई जॉब करती हैं और वो फाउंडेशन वगैरह लगाना नहीं चाहती, तो ये रूटीन लाजमी फॉलो करो। जो लड़कियां मेकअप नहीं पसंद करती उनको स्किन केयर करना बहुत जरूरी है, ये स्किन केयर में ही ऐड होता है। आप सनस्क्रीन लगा रहे हो ताकि आपकी स्किन सन से प्रोटेक्शन में आ जाए, तो ये लाजमी किया करो। अपने स्किन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मत किया करो। आप लोग चाहो तो मस्कारा भी इसमें ऐड कर सकते हो या कोई लिपस्टिक आप लोग ऐड कर सकते हो, ब्लश ज्यादा हैवी कर सकते हो और इसके अलावा आई शेड्स भी ऐड कर सकते हो। दरअसल मेरी आईज के शेड्स खुद ही बने हुए हैं, देखो आंखों के ऊपर आंखों के नीचे खुद ही ये ब्राउन है, इट्स नॉट डार्क सर्कल्स और एनी पिगमेंटेशन, ये नेचुरल है मेरा। तो मैं जब मेकअप करती हूँ मैं तब भी इसी तरह करती हूँ, अगर मैं फाउंडेशन लगाऊ ना तो ये बिल्कुल व्हाइट हो जाता है, तो इस वजह से मैं मतलब स्किन के कलर वाला हो जाता है। तो मैं दोबारा से ब्राउन शेड ऊपर और आंखों के नीचे लाजमी लगाती हूँ ताकि अजीब ना लगे, वरना मैं बहुत अजीब लगती हूँ मेकअप करके। तो जाहिर सी बात है ऐसा ऐसा आपको अपने फेस की समझ आने लग जाती है, तो मेकअप रूटीन और स्किन के रूटीन दोनों को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।